उज्जैन में प्रदेश के भाजपा विधायकों का 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। दोपहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने दीप प्रज्वलित कर वर्ग का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने उज्जैन विकास गाथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वर्ग में मुख्य रूप से किसान आंदोलन पर रणनीति और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर बात हो सकती है। यह नजारा है बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का, जहां मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और सभी विधायकों को मुख्य रूप से आगामी निकाय चुनाव और मिशन 2023 के लिए तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन पहुंचे और महाकाल दर्शन किए। इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू में दोपहर 12 बजे प्रशिक्षण वर्ग का शुभारम्भ हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कार्यकर्ता लालटेन की तरह होते हैं, कई बार लालटेन की कांच पर धूल जम जाती है, जिसके कारण उनका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। कांच साफ करते ही प्रकाश फैलने लगता है। ठीक इसी तरह प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के विजन को साफ किया जाता है। जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता की जो अभिलाषा है उस पर पूरी तरह से खरे उतरे, यही मंशा है। किसान आंदोलन पर कहा, तीनों कानून किसानों के हित में है। किसानों को असली आजादी इन कृषि कानून लागू होने के बाद मिलेगी। मैंने ये बार बार कहा है और आपने सुना भी होगा, मैंने संसद में भी कहा है, पूर्ण विश्लेषण मैंने दिया है। ये तीन कृषि सुधार कानून किसानों के पक्ष और हित में है। जहाँ 70 साल पहले हम लोगों को राजनीतिक आज़ादी मिली थी, असली आर्थिक आज़ादी किसानों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में इन 3 कृषि सुधार कानून के आधार पर मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों का समय समय पर प्रशिक्षण करती रहती है, यह वर्ग भी उसी का एक हिस्सा है। सिंधिया समर्थकों के प्रशिक्षण पर शर्मा ने कहा कि दूसरी विचारधारा का कोई नहीं है, सभी कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और अगर उज्जैन आए हैं तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के ही काम प्रारंभ होता है, और मेरे जीवन में तो मैं तो जहाँ भी पहुँचा हूँ बाबा महाकाल का आशीर्वाद यहीं से मेरा प्रारंभ हुआ, इसलिए आज यहाँ सभी विधायकों का वर्ग है, सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर है। महाकाल से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति प्रदान करे और हम अच्छा काम कर सकें। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बताया। उन्होंने दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट का सहारा लेते हुए तंज कसा है कि कांग्रेस के युवा जनता के बीच जाने के बजाय बार बार इटली चले जाते हैं। यहाँ तक कार्यक्रम की बात है, मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी है, संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूँ। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है। बदले हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है जिसके लिए मैं आया हूँ। दरअसल है क्या कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए, उनका भी ट्वीट इसी तरफ था वो युवाओं में, क्योंकि वो जनता के बीच की जगह इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हो तो उनको तो कितना भी सिखा लो आप, वो पूर्ण हो ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वहीं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रशिक्षण हमेशा हमें सुधार और आगे बढ़ने का संकल्प देते हैं। क्या सुधार की आवश्यकता है, इससे सिविल एक सुधार का
वो देश का लक्ष्य का और संकल्प का संकेत देते हैं। 2023 की तैयारी के तौर पर इसको देखा जा सकता है? 2023 की तैयारी तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी हमें निरंतर करती रहती है। प्रशिक्षण में शामिल होने आए मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हमें जो भी सिखाया जाएगा उसका हम पालन करेंगे। आज हम लोग आए हैं, प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के जो भी यहाँ पर बताया जाएगा उसके अनुसार हम लोग अब ये हम आज आए हैं। अब जैसा ही होगा आज और कल दो दिन ये सत्र चलेगा और दो दिन के बाद फिर हम मिलते हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रशिक्षण हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इससे आम जनता का भला करने के लिए हमें मदद मिलेगी, साथ ही पार्टी भी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी का और सब विधायकों के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है, मेरा मानना है कि एक निखार लाने के लिए और एक क्षेत्र में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए जिससे आम जनता का भला हो सके, पार्टी मजबूत हो सके, इस बारे में यहाँ पर दो दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया और मेरा मानना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जिससे और आगे अच्छा काम कर सके। बीजेपी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कहना है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि इस वर्ग में हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सभी विधायकों को एक आदर्श विधायक कैसे बनाया जाए यह सिखाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, उसी के अंतर्गत विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। दो दिवसीय प्रशिक्षण है और इसमें हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो सब रहेंगे और काम करने की दिशा, कार्य पद्धति, ये सब प्रशिक्षण, आदर्श विधायक कैसे हो, ये सारा प्रशिक्षण मिलेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर भाजपा के संगठन को मजबूती मिलेगी। ये प्रशिक्षण है संगठन की ओर से, पार्टी की रीति नीति, व्यवहारिक धरातल पर हम सबका कार्य आचरण और व्यवहार, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूती दिलाए, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा निरंतर पार्टी में मिलती रहती है। इंदौर की पूर्व मेयर मालिनी गौड़ ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि यह प्रशिक्षण महाकाल की नगरी में आयोजित हो रहा है, सभी लोग काफी उत्साहित हैं। हमारा सौभाग्य है कि महाकाल की नगरी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और सब लोग बहुत ही उत्साहित है क्योंकि महाकाल के दर्शन करने तो आते ही, लेकिन बाहर से भी सभी प्रदेश, पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण यहाँ पधारे हैं, तो ये हम सबका सौभाग्य है। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए विधायकों से कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सिंधिया गुट से आए विधायकों को पार्टी की नीति और रीति के बारे में बताया जाएगा, साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। प्रशिक्षण वर्ग में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।